मध्य प्रदेश कांग्रेस इस समय तथाकथित पत्रकारों और फर्जी माइक आईडी वाले पत्रकारों से परेशान है, इसीलिए ऐसे लोगों की निगरानी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। पिछले दिनों मंत्री सुखदेव पांसे की पत्रकार वार्ता के दौरान भी ऐसे कथित पत्रकार नजर आए जो सिर्फ फर्जी माइक आईडी लेकर घूम रहे थे। फर्जी माइक आईडी बनवाकर घूम रहे कथित पत्रकारों से निजात पाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है। पिछले दिनों कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली पत्रकार वार्ताओं में ऐसे कई फर्जी पत्रकार नजर आए, उसके बाद कांग्रेस को इन पर विचार करना पड़ रहा है। मंत्री सुखदेव पांसे की पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा भी इस सब से खिन्न नजर आईं और कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ फर्जी माइक आईडी उन्होंने अपने साथियों को भी दिखाई, जिसके बाद कई तथाकथित पत्रकारों से उनके संस्थान उनके कार्ड के बारे में जानकारी ली गई। कांग्रेस ऐसे फर्जियों से इस कदर परेशान है कि ऐसे लोगों को मुख्य धारा के मीडिया से अलग रखने के उपाय सोच रही है। इस मामले में कांग्रेस का परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि ये लोग असली पत्रकारों की जगह कब्जा करके दुकानदारियां कर रहे हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं, जल्दी ही कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर सकती है जिनका खबरदारी या पत्रकारिता से सीधा कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के ही कुछ नेताओं ने ऐसे लोगों को तवज्जो दी, अब पार्टी अपने नेताओं को भी असली और नकली मीडिया के बीच में भेद करने को कहेगी। कांग्रेस कार्यालय में जमे नकली मीडिया वालों से असली मीडिया के लोगों को भी काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और असल मीडिया के लोग ऐसे फर्जियों से दूरियां बनाकर रहते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।